नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50A वर्सेस Samsung Galaxy A22 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 50A में 6.48 इंच जबकि A22 5G में 6.58 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Narzo 50A में 2.99 इंच जबकि A22 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 50A में 0.38 इंच जबकि A22 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 50A में 207 ग्राम्स जबकि A22 5G में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Narzo 50A में IPS LCD जबकि A22 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 50A में 6.5 इंचेस जबकि A22 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 50A में 720x1600 और A22 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 50A में 81.7% जबकि A22 5G में 82.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A22 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 50A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A22 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 50A में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A22 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 50A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A22 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 50A में Mali G52 MC2 जबकि A22 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 50A में MediaTek Helio G85 और A22 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 50A में अप टू 256GB जबकि A22 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 50A में 6000mAh जबकि A22 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 50A में 2 कलर्स जबकि A22 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
नाजो 50A में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A22 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,149 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,150 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Nazo 50A में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A22 5G की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nazo 50A आगे है, मेन कैमरा में Nazo 50A आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A22 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।